हेलो दोस्तों दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका भाई सचिन गुप्ता। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ना दोस्तों कि मैं आपके जो पार्ट टू है ना वो प्रीएम्बल के कंप्लीट करा चुका हूं, ठीक है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने उन दोनों को वीडियो को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो अभी जाइए और पहले उन दोनों वीडियोज़ को सही से देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप उन दो वीडियोज़ को अच्छे से नहीं देखेंगे तब तक आप जो है ना जो मैं आज आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्रीएम्बल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अब चाहे वो एसएससी लेवल का हो चाहे आईएएस लेवल का हो ना, उसमें सारे के सारे लेवल मैंने आपके कवर करा दिए हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन चिंता की कोई आवश्यकता है ही नहीं, बस वो दो वीडियो देख लो, प्रीएम्बल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसा मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में ही बोला था, इंडियन पॉलिटी चुटकियों में पूरा करा दूंगा, ठीक है। कहीं से लेके कहीं तक कोई टेंशन लेने की आवश्यकता आपको है नहीं, ठीक है। जो टेंशन लेनी है वह मुझे लेनी है कि आपको किस तरीके से आसान से आसान तरीके से आपको पढ़ाना है, बाकी आपको ना कोई भी टेंशन दोस्तों लेनी नहीं है, ठीक है। कोई भी टेंशन कतई मत लीजिए, ठीक है। सारी की सारी टेंशन मेरी है, आपको ना कोई भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने आपको इस चैप्टर में ना आपको मैं दो पार्ट करा चुका हूँ, ठीक है। दो पार्ट बड़े शानदार तरीके से कराए हैं मैंने, पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की दे पाऊँ, ऐसी क्लैरिटी दे पाऊँ जो आपको फिर कभी भी किसी किताब को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैं खुद मैंने चार चार पाँच पाँच किताबें पढ़ी हैं तब जाकर आपको इस चैप्टर को मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो मैंने खुद कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से और क्लियर करके किसी चीज़ को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं जो आज आपको पढ़ाऊंगा भाई ये पढ़ाऊंगा दोस्तों क्वेश्चन ऑफ प्रीएम्बल, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि प्रीएम्बल पे किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब तक किस किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं आज आपको क्या पढ़ाऊंगा कि प्रीएम्बल में किस किस तरीके के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं और किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछने की संभावना है। आप जब इन क्वेश्चनों को देख लोगे तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि आप किस किस तरीके के क्वेश्चन और कैसे कैसे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चैप्टर तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब यहाँ पे आपको जज करना है कि मेरे को कितना समझ में आया, ठीक है, और मैं कितना अच्छे से जो है रिटेन सारी चीज़ों को कर पा रहा हूँ। क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया है और आप क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हो तो ऐसे पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, सिर्फ पढ़ लोगे, तो इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर यू, ठीक है। फ्रूटफुल कब होगा, जब आप क्वेश्चन भी लगा पाओ, ठीक है। तो मैंने आपको पार्ट टू में पूरा प्रीएम्बल खत्म करा दिया, अब जो पार्ट थ्री है ना चैप्टर का उसमें मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा दोस्तों क्वेश्चन ऑन प्रीएम्बल, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे मैं, क्वेश्चन ऑन प्रीएम्बल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखना पूरा वीडियो, आपको एक एक चीज बढ़िया से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको आज यहाँ पे रखा है दोस्तों, यह है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव बीन रिटन इन द प्रीएम्बल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, एक बार फिर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैड नॉट बीन रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहा है दोस्तों कि नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड में बताइए ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इन वर्ड को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पहला वर्ड है दोस्तों सोवरन, कौन सा दोस्तों पहला वर्ड, सोवरन। दूसरा है सोशलिस्ट, तीसरा है डेमोक्रेटिक, चौथा है इंडियन, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप 5 से 10 मिनट बिल्कुल ना उस पूरी वीडियो को नहीं देखे हो, अगर सेकंड वाली को, तो 5 से 10-15 मिनट खर्च करो और जाके वाली वीडियो को देखो, और आपने अगर देखा है उस वाली वीडियो को तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो कैसे कौन सा शब्द है इन चारों में जो हमारे प्रीएम्बल में नहीं दिया हुआ है। कौन कौन शब्द है दोस्तों, वर्ड है आपका सोवरन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, इंडियन। अगर मैंने हिंदी में कहूँ इस क्वेश्चन दोस्तों तो हिंदी में होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों जो वर्ड हैं वह हैं आपके सोवरन है, ठीक है, दूसरा समाजवादी है हिंदी में, लोकतांत्रिक है, चौथा आपका दोस्तों क्या है, भारतीय है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और एक मिनट रुक के सोचो कि इन चारों में से कौन सा वर्ड है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है, ठीक है। सोचो जरा, देखो अगर हम बात करें सोवरन की तो सोवरन तो दिया हुआ है, बताया ना मैंने आपको कि हम लोग कैसे हैं, हम लोग दोस्तों कैसे हैं, हम लोग सोवरन हैं, ठीक है, कैसे हम लोग सोवरन हैं, ठीक है। सोवरन क्यों है, क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया की जो पॉलिसीज होती हैं वह इंडिया वाले अपनी पॉलिसी दोस्तों खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा है सोशलिस्ट, बहुत अच्छे से बताया, हम लोग सोशलिस्ट भी हैं। तीसरा डेमोक्रेटिक, हमारे यहाँ पे जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो पावर गवर्नमेंट की पावर को एंजॉय करते हैं वो सबके सब इलेक्टेड होते हैं, दैट्स वाई वी आर ऑल्सो डेमोक्रेटिक। लेकिन थोड़ा सा ये सोचिए, कहीं पर भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पर भी पूरे प्रीएम्बल में इंडियन वर्ड दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
प्रियम्बल में दोस्तों इंडियन वर्ड का कहीं पर भी यूज नहीं है, ठीक है, बात समझ रहे हो। सोवरन वर्ड का यूज है, सोशलिस्ट का है, डेमोक्रेटिक का, इंडियन का है, ठीक है। तो इसका दोस्तों क्या आंसर होगा, इसका होगा हमारा इंडियन। तो यहाँ पे आप कौन सा आंसर टिक करके आएंगे दोस्तों, आप यहाँ पे जो आंसर टिक करेंगे यह होगा दोस्तों इंडियन, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ये चारों वर्ड में से एक वर्ड होता है जो कि हमारे प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमने देखा सोवरन भी है, सोशलिस्ट भी है, डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन प्रियम्बल वर्ड नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरन भी है, ठीक है, समाजवादी भी है, लोकतांत्रिक भी है, लेकिन दोस्तों भारतीय शब्द हमारे प्रियम्बल में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्रियम्बल। आपने देखे होंगे पेपर में कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो यह भी आपका एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो है वह स्टेटमेंट जो है वह ट्रू है, ठीक है, और प्रियम्बल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आपको प्रियम्बल के रिस्पेक्ट में ये बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि आपका ट्रू है। पहला है दोस्तों, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो हमारा प्रियम्बल है ना वह कोर्ट में इन्फोर्सिबल नहीं है। आप जैसे कि मान लीजिए हमारे जो भी आइडियाज़ दिए हुए हैं हमारे प्रियम्बल के अंदर, ठीक है, आपने देखे बहुत सारे आइडिया दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ठीक है, तो नेचर भी दिया हुआ है हमारे स्टेट का कैसे होगा। अब आप क्या करो, आपने देखा कि चलो जितने आइडिया दिए हुए हैं गवर्नमेंट उन्हें है ना जो इम्प्लाय गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हें एप्लीकेबल नहीं कर रही है, यानी गवर्नमेंट उन प्रिंसिपल उन गाइडलाइन की गाइडलाइन के द्वारा जो है कंटिन्यू नहीं कर रही है, तो आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते, है ना, आप इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकते। यही लाइन में कहा गया है पहली, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट। तो दोस्तों क्लियर समझ लो, हमारा प्रियम्बल जो है नॉट इन्फोर्सिबल है कोर्ट के द्वारा, यानी कि बाय कोर्ट। यानी दोस्तों इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी प्रियम्बल में आइडिया आइडियोलॉजी दी हुई हैं अगर उन्हें स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करता है, जैसे एक आइडिया हम सोशलिस्ट होंगे, अब मान लीजिए कल को हमारी गवर्नमेंट सोशलिज्म नहीं फॉलो करती है, तो आप इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों पहली लाइन बिल्कुल ही सच है। चलिए दूसरी चलते हैं। दूसरी में लिखा है दोस्तों, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल यार, हमारा जो प्रियम्बल है ना वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको क्वेश्चन भारतीय केस से बिल्कुल क्लियर करा दिया कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तीसरा, प्रियम्बल प्रियम्बल इंसराइंस नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो दूसरा है कि प्रियम्बल में ना दोस्तों ऑब्जेक्टिव जो है हमारी गवर्नमेंट के भाई दिए हुए हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर हिंदी में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, देखो, प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। दूसरा है यह संविधान का हिस्सा है। तीसरा, प्रस्तावना सरकार के संकीर्ण उद्देश्यों को सुनिश्चित करती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा रुको और थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाओ, ठीक है, और जरा सोचो कि मैंने कहीं भी आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया प्रियम्बल, मैंने कहीं नहीं बताया आपको। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा प्रियम्बल है ये चार पर्पस को सर्व करता है। चार में पहला कौन सा पर्पस था मैंने आपको बताया, पहले तो मैंने आपको ये बताया कि बताता है नेचर ऑफ स्टेट, हमारा जो इंडिया कंट्री है उसका नेचर कैसा होगा। दूसरा पर्पस मैंने आपको बताया, ये बताता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों फ्रेम किया गया, उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था। तीसरा जो प्रियम्बल बताता है दोस्तों, वह मैंने आपको वीडियो में बताया था कि यह बताता है कि संविधान किस तारीख को अडॉप्ट किया गया भारत के द्वारा। चौथा दोस्तों जो बताता है वो यह बताता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करेगा, ठीक है। तो ये चार बातें बताई जाती हैं, लेकिन कहीं पर भी मैंने आपसे ये नहीं कहा होगा कि प्रियम्बल ये बताता है कि नैरो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी ये आंसर स्टेटमेंट जो बिल्कुल गलत है, यानी पहली और दूसरी सही है। तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका, इसका होगा दोस्तों सी, जो कि होगा दोस्तों फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, ठीक है। फर्स्ट एंड पहला वाला ओनली वन गलत है, सेकंड वाला ओनली टू भी गलत है, सी वाला ठीक है जो है ऑन जो है कि आपका वन एंड टू ओनली, थर्ड वाला भी गलत है, थर्ड वाला है दोस्तों वन टू एंड थ्री, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चला जाए, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहे हैं दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपसे कह रहे हैं कुछ स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है। पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर दोस्तों, प्रियम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वन थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कह रहे हैं दोस्तों कि प्रियम्बल है ना, पहले लाइन में क्या कहा गया है कि प्रियम्बल अभी तक ना एक बार अमेंड किया गया है, वो भी किया गया है 44वें संविधान संशोधन से। दूसरा दोस्तों, सेकुलर सोशलिस्ट एंड लिबर्टी वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों कि जो वर्ड है सेकुलर, जो जो हमारे दोस्तों संविधान में लिखा हुआ है, ठीक है, सोशलिस्ट है, लिबर्टी है, ये वर्ड दोस्तों 44वें संविधान संशोधन से ना हमारे हमारे के यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए, ठीक है।
तो अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे ना दोस्तों, तो ये जो लाइन है ना, ये भी दोस्तों क्या है, आपकी गलत लाइन है। ठीक है, क्यों गलत है? देखो, फर्स्ट वाला तो इसलिए गलत है क्योंकि प्रीएम्बल का जो संशोधन हुआ है वह आर्टिकल 44 से नहीं, सॉरी, वह जो संशोधन है वह 44 संशोधन नहीं कहलाता है दोस्तों, वह कहलाता है 42वां संशोधन। ठीक है, 44वां संशोधन नहीं है, वो याद रखना, वह 42वां संशोधन है। ठीक है, इट इज़ 42nd अमेंडमेंट एक्ट, और ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, इसी में आपके सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया, सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया। ठीक है, दो वर्डों को वहाँ पर ऐड किया गया। ठीक है, बात समझ रहे हो आप मेरी? ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आपको समझ में आई सारी बातें। तो सेकुलर सोशलिस्ट जो नीचे वर्ड लिखे हुए हैं ना दोनों आपके, इन्हें 44th में नहीं जोड़ा गया, 42nd में जोड़ा गया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपका, तो आप हम पाते हैं कि पहली वाली लाइन भी गलत है, प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, गलत है, यहाँ 44th नहीं 42 होगा। ठीक है, फिर सेकुलर सोशलिस्ट लिबर्टी वर्ड एड टू द कॉन्स्टिट्यूशन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये भी गलत है क्योंकि सेकुलर सोशलिस्ट जो वर्ड जोड़े गए मैंने आपको बताया 44 नहीं 42 से जोड़ गए, तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हमें दिए गए हैं। ऑप्शन ओनली वन गलत ऑप्शन है बिल्कुल ही, मैंने आपको बता दिया क्यों गलत है, क्योंकि जो अमेंडमेंट किया गया है प्रीएम्बल का अभी तक वो 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा नहीं, 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा किया गया है। फिर है दोस्तों ओनली टू, ये भी आपका गलत है, मैंने आपको बता दिया अभी क्यों गलत है। अब सी है दोस्तों बोथ वन एंड टू, तो बोथ वन एंड टू तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा स्टेटमेंट गलत है, दोनों कैसे ही हो सकते हैं। डी है दोस्तों, अच्छा, और डी है दोस्तों नाइदर वन और नॉट टू, यानी कि दोस्तों ना तो पहला वाला ठीक है और ना दूसरा वाला ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइदर वन और नाइदर टू। क्या होगा दोस्तों? नाइदर वन और नाइदर टू, यानी डी वाला आंसर ठीक हो जाएगा। चलिए इसी को और पढ़ लेते हैं हिंदी में। हिंदी में क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रस्तावना में केवल एक बार 44वें संस्थान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संशोधन किया गया। दूसरा है धर्मनिरपेक्ष समाजवादी और स्वतंत्रता को 44वें संशोधन संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। तो मैंने आपको समझा दिया मेरे भाई कि जो यहाँ दिया हुआ है आपका संविधान संशोधन 44, ये 44 नहीं है, संविधान संशोधन है ये 42वां। यहाँ पर जो 44 दिया हुआ है ये भी 44 नहीं है, ये क्या है 42वां, इसीलिए दोनों की दोनों लाइनें आपकी गलत हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन होगा दोस्तों भाई केवल बन तो हो ही सकता, क्योंकि केवल बन वाला स्टेटमेंट ही गलत है। आगे देखें तो केवल टू है, केवल टू वाला स्टेटमेंट भी गलत है, वन और दो दोनों बिल्कुल नहीं दोस्तों, मुखा वाला है वह ठीक होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ में देखते हैं, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है नेक्स्ट, देखते हैं फोर्थ में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, और कोशिश करिएगा, तीन मैंने आपको करा दिए, अब बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप स्वयं से कर पाओ। ठीक है, देखते हैं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन में 15-15 सेकंड दे दूंगा, कोशिश करिएगा कि आप अपने आप से उन्हें हल कर पाओ, अपने आप सॉल्व कर पाओ। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में दोस्तों, विच केस द सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कहना दोस्तों किस केस में, वो कौन सा केस था जिसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मतलब ऐसा कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, हिंदी में है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा विकसित की। ठीक है, चलो, ठीक है, अब इसका ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ऑप्शन है गोलकनाथ केस, दूसरा शंकर प्रसाद मामला, तीसरा है केशवानंद भारती के, चौथा है मिनर्वा मिल केस। मैं चाहता हूँ 15 सेकंड आप यहाँ रुको, 15 सेकंड रुको, वीडियो को पॉज करो यहाँ पे। ठीक है, और सोचो कि इसका क्या आंसर है। मैं फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा विकसित की। पहला है गोलकनाथ केस, दूसरा शंकरी प्रसाद मामला, तीसरा केशवानंद भारती के, चौथा है मिनर्वा मिल केस। जरा सोचो मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, सोचो जरा 10 मिनट क्या आंसर है। ठीक है, चलो सोच लिया, अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखो, अगर आपने मेरी वीडियो को थोड़ा सा भी ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा दोस्तों, मैंने आपको इसका आंसर बताया था सी, मैंने आपसे कहा था केशवानंद भारती केस जो था उसी में ये बात कही गई कि जो प्रीएम्बल है ना वह इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, बहुत ही अभिन्न हिस्सा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और इसी के अंदर संविधान की मूल संरचना की बात दोस्तों आई थी। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों देख लेता हूँ एक बार कौन सा ऑप्शन है,
तो वही ऑप्शन है, नहीं मैं तो बदलते नहीं है। गोलकनाथ केस, शंकर प्रसाद जी केस, केशव भारती केस, निर्भया केस। दोस्तों इसका आंसर होगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है दोस्तों, इंडिया बिकम अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, कह रहे हैं इंडिया किस तारीख के लिए सॉवरन बना, डेमोक्रेटिक बना और रिपब्लिक बना। अब ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है, अगस्त 15 अगस्त 1947, 30 जनवरी 1948, सी है 26 जनवरी 1950, चौथा है 26 नवंबर 1949। बताइए दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। एक बार मैं हिंदी में और पढ़ देता हूँ, ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलेंगे। चलिए हिंदी में कहेंगे इस क्वेश्चन में, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया, तो क्या तारीख थी, 15 अगस्त 1947 था डेट वो, क्या 30 जनवरी 1948 थी क्या वो, 26 जनवरी 1950 डेट थी क्या वो, 26 जनवरी 1949 डेट थी, ठीक है वो, तो कौन सी डेट थी वो दोस्तों। 15 सेकंड के लिए फिर आपसे कहूँगा, वीडियो को रोको, सोचो बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है मैंने आपको, तो एक बार सोचो और दिमाग लगाओ मैंने आपको इसका क्या आंसर वहाँ पे बताया था। चलो एक बार इंग्लिश में चलते हैं हम लोग फिर से। चलिए तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों भाई होगा आंसर डी, ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया था, अगर आप प्रीएम्बल की लास्ट वाली लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है कि जो हमारा प्रीएम्बल है, उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वह हमारे भारत देशवासियों को 26 नवंबर 1949 को दिया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सही वह होगा दोस्तों डी। एक बार हिंदी में भी देख लिया जाए दोस्तों, सही आंसर ये रहा डी, ठीक है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इंडिया को हम लोग क्यों कहते हैं कि वह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ठीक है, क्यों कहते हैं वह कि एक रिपब्लिक है, ठीक है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं, हिंदी में दोस्तों, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, क्यों है, क्योंकि ऐसा कौन सा फीचर है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है जिसके व्यापक में ये कह देते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो पहला है न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, क्या हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता से कह सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलिए दूसरा देखते हैं, राज्य का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाना। तीसरा दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, क्या ये इसका आंसर होगा। चौथा संसदीय वर्षज है, ठीक है। अब चारों में से आप सोचिए कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है, जिस स्टेटमेंट से आप इस बात को फुलफिल कर सकते हैं कि हमारा भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। चलिए मैं चारों ऑप्शन एक बार इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। तो ऑप्शन है, देयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, बी है द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, सी है देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, डी है देयर इज पार्लियामेंट टू सुपरमैसी। तो देखो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से मेरे लेक्चर को देखा होगा तो आपको पता होगा, अब हमने काफ़ी बार कहा रिपब्लिक ऐसे स्टेट से कहा जाता है जिस स्टेट में ना हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वह इलेक्टेड होता है लोगों के द्वारा। कैसा होता है वह इलेक्टेड होता है आपका लोगों के द्वारा, यानी हेड ऑफ द स्टेट अगर लोगों द्वारा इलेक्टेड है तो ऐसी जगह को हम कहते हैं दोस्तों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं जो होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। अच्छा इसे पढ़ता हूँ मैं एक बार, चूज द करेक्ट सिक्वेंस, आपको यहाँ क्या करना है करेक्ट सिक्वेंस को चूज करना है, ठीक है। चलो सिक्वेंस क्या क्या है, पहला है कि सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब बताओ हमारा जो प्रीएम्बल है उसके अनुसार कौन सा इसमें जो सीक्वेंस है वो ठीक है, सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बी है सोशलिस्ट सॉवरन सेकुलर रिपब्लिक डेमोक्रेटिक, सी है रिपब्लिक डेमोक्रेटिक सेकुलर सोशलिस्ट सॉवरन, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो बताइए सर जी कौन सा सही है, विच वन इज करेक्ट, बताओ। देखो थोड़ा सा तुमने अगर मेरे लेक्चर को ध्यान से देखा है ना तो भैया दिमाग में आना चाहिए पहला ऑप्शन, समझ रहा, दिमाग में तुरंत आना चाहिए ऑप्शन इज ए। मैंने बोला था प्रीएम्बल जैसा है उसे एज इट इज़ वैसा लर्न कर लो, अगर वैसा नहीं लर्न करोगे तो भैया एक दो क्वेश्चन पेपर में ऐसे भी आ सकते हैं जो उस सीक्वेंस पे ही सेट किए गए हो, तो क्वेश्चन छोड़ जाओगे बेटा, पूरी मेहनत भी करोगे क्वेश्चन भी छोड़ोगे, ठीक है। चलो इसे हिंदी में पढ़ा जाए, बताओ छोड़ दें, चलो पढ़ लो यार वरना फिर हिंदी इंग्लिश की दिक्कत होती है। चलो सोवरन सोशलिस्ट डेमोक्रेट, चलो यार हिंदी यहाँ मत पढ़ो, उस क्वेश्चन में हिंदी का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है, ठीक है। तो चलो भाई समझ में तो आ ही गया होगा, चलो आगे चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखो 8th में क्या कहा गया है, 8th में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रीएम्बल, बताइए ऐसा क्या है
जो प्रियम्बल से क्लियर तरीके से पता लगता है। ठीक है, पहला क्या है, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा आइडियल दैट आर टू बी अचीव। तीसरा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। चौथा है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से 15 सेकंड का वेट करोगे और सोचोगे कि इसका कौन सा आंसर तुम्हें ठीक लग रहा है। ठीक है, तब तक मैं इसको एक बार हिंदी में भी पढ़ लेता हूँ, बच्चे हमारे हिंदी वाले हैं वे भी समझ जाएं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। निम्नलिखित में कौन कौन प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से उभरता है, यानी कौन सी ऐसी बात है जो यहाँ से स्पष्ट रूप से उभरती है। पहला है संविधान को अपनाने की तिथि, विचार जो हासिल किए जाने हैं, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान की अधिकार का स्रोत। ठीक है, तो ये हैं चार ऑप्शन। चलो पहले इनसे बात करते हैं। देखो, अच्छा एक बात और यार, इस क्वेश्चन के आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, एट्थ वाले क्वेश्चन के ना ऑप्शन नहीं दिए गए हैं आपको। चलो मैं यहीं पर ही हैंडपॉइंट अपने आप से ऑप्शन दे देता हूँ तुम्हें। देखो पहला है, पहला ऑप्शन है ओनली ए, ठीक है, दूसरा है ओनली बी, तीसरा है ऑल, और चौथा है नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमर्जेस क्लियरली फ्रॉम द प्रीएम्बल। पहला डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियल दैट आर टू बी अचीव बी, दूसरा, तीसरा है दोस्तों नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, चौथा है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बताओ इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक है, ओनली ए, दूसरा ओनली बी, तीसरा ऑल, ठीक है, और चौथा नन ऑफ दीज। पहला ओनली ए, दूसरा ओनली बी, तीसरा ऑल, और चौथा नन ऑफ दीज। देखो इसका आंसर होगा ऑल। ठीक है, क्यों होगा, तो देखो ये चारों ही चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ना दोस्तों, ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि हमारे प्रेमों से यही चार चीज़ें पता लगती हैं। ठीक है, चलो भैया अगले क्वेश्चन में चलते हैं जल्दी से। यह होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज आर ट्रू, कह बताइए कौन सा सेंटेंस इसमें से ऐसा है जो ट्रू है। ठीक है, चलो चारों एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ऑप्शन लिबर्टी प्रोवाइड बाय द प्रीएम्बल इज क्वालिफाइड, दूसरा प्रीएम्बल सेज इक्वालिटी सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, प्रीएम्बल सेज इक्वालिटी जो है वह सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल होती है, तीसरा इंटीग्रिटी ऑफ द नेशनल इज टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट, चौथा जस्टिस इन प्रीएम्बल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, एक बार हिंदी में पढ़ देता हूँ, वरना हिंदी भाषी वाले विद्यार्थियों को शिकायत रहती है कि इंग्लिश में लगाया जा रहा है, मास्टर हिंदी देख ही नहीं रहे हैं। चलो हिंदी में पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है, पहले प्रस्तावना द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता योग्य है, दूसरा स्वतंत्र प्रस्तावना कहती है समानता सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, तीसरा राज्य की अखंडता एक प्रादेशिक अवधारणा है, चौथा है प्रस्तावना में न्याय रूसी क्रांति से प्रेरित है। चलिए पीछे आते हैं। देखो यहाँ पे पहला वर्ड बिल्कुल ठीक है, लिबर्टी प्रीएम्बल के द्वारा दी गई है, क्वालिफाइड लिबर्टी है। दूसरी लाइन क्या है, प्रीएम्बल से इक्वालिटी, ये बेटा गलत है। प्रीएम्बल जो है हमारा वो इक्वालिटी सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल नहीं देता है, वह देता है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, चलो तीसरा है ये तो गलत हो गया। दूसरा इंटीग्रिटी ऑफ द नेशनल टेरिटोरियल, तो बिल्कुल इंटीग्रिटी टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ही है। चौथा जस्टिस इन प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, जस्टिस जो हमारे प्रीएम्बल में डाला गया है वह रशियन रेवोल्यूशन जो कि 1917 में हुआ था, कब हुआ था 1917 में। ठीक है, राइटिंग तो यार अपनी कभी सुधरेगी नहीं, 1917 में उसी से क्या है ये इंस्पायर्ड है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो दो गलत है, बाकी ठीक है, यानी ओनली 1, 3, 4 सेकंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों आंसर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। हिंदी बात की जाए तो यहाँ पर ठीक होगा केवल वन, केवल पहला, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलिए दोस्तों तो अगले क्वेश्चन चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। ये क्या है, विच केसेस एम्फसाइज दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यार बहुत सरल है भाई, केतन भारती केस। ठीक है, बता दिया ऊपर भी, तो अब इसको करके समय नहीं खराब करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो है ना आपके लगातार जो है लेक्चर प्रीएम्बल पे लिए। ठीक है, अगर प्रीएम्बल पे आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वायरी हो, तो आपको क्या करना है, मैं दो पार्ट ले चुका हूँ प्रीएम्बल के, उससे रिगार्डेड आपको अगर कोई भी क्वायरी हो तो आपको सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ मत करो भाई, ये मैं आपको आईडी देता हूँ, सावरिया क्लासेस 1234@gmail.com। ठीक है, इस पर जाके अपनी क्वायरी सेंड कर दो। ठीक है,
कोई भी दिक्कत हो सावरिया क्लासेस 1234@ पर आके सेंड कर दो, ठीक है। बाकी नोट्स इस चैप्टर के जो हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मैंने अपलोड कर दिए हैं। अच्छा, नोट्स की तो कोई टेंशन नहीं है, मैंने वीडियो में डाले हैं, तो उसमें भी आप स्क्रीनशॉट से ना नोट मेरे ले सकते हो, ठीक है। तो इतना कोई नोट्स का इशू है नहीं, क्योंकि आपको पता है इस समय पे ना महामारी फैल रखी है, पेंडेमिक है, COVID-19 फैल रखा है, तो इस वजह से मैं अपने स्टूडियो में भाई जा नहीं पा रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम गिविंग यू मेरे वो लेक्चर जो कि रिकॉर्डेड हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं बैठ के, ठीक है बेटा। बाकी जनरल साइंस का भी मैं आपको लेक्चर नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि जनरल साइंस जो है ना यार वो वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाया जाता है। अगर मैं जनरल साइंस को आपको ऐसे करके पढ़ाने का इस पे, तो यह अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ, ठीक है। और अनर्थ मैं करता नहीं हूँ, इसीलिए मैं जब वाइट बोर्ड अवेलेबल होगा, जब मेरा स्टूडियो ओपन होगा, उसी दिन मैं तुम्हें बेटा जनरल साइंस पढ़ाऊँगा। अभी मैं आपको जनरल साइंस नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, तो इसका कारण क्या है? सिंपल सा कारण है कि अभी हमारा स्टूडियो बंद है ड्यू टू द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। गवर्नमेंट ने सिंपल कहा है कि क्राउड कहीं पर इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी वहाँ पे मैथ वाले टीचर जो हैं आपके अनुज जी को जा रहे हैं भाई, अपनी वीडियो लगातार वहाँ बना रहे हैं, लेकिन क्राउड ना इकट्ठा हो इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, ठीक है। सिर्फ अनुज जी ही वहाँ से आपको वीडियो अपनी देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर आज एंड करता हूँ। ऐसे ऐसा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन लगा के मज़ा आया होगा। ये क्वेश्चन आपको इसलिए कराए मैंने ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके पेपर में ना आते हैं, क्योंकि जब पता ही नहीं होगा तो पढ़ोगे कैसे, ठीक है। सबसे पहले हमें चैप्टर को आपने पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन ये तो समझ लो कि उससे किस तरीके के पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये पता हो तो पढ़ने का एक अलग मज़ा आता है, फिर एक कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाता है जब अपन लोग MCQ लगा लेते हैं तो, ठीक है। बात समझ रहे हो, ठीक है। चलो अच्छी तरीके से हमारे साथ इसी तरीके से बने रहो, थैंक यू भाई। और इसी के साथ मैं क्लास को आज के अमेंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।